कैसे पता चलेगा कि मेरी कुंडली कहाँ है, मीन्स कुंडली आपकी कहाँ तक पहुँची है। कुंडली ऊर्जा आपकी रीढ़ के आधार पर सुसुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई अवस्था में होती है, और एक सहज घटनाओं से कोई भी घटना घटती है उसके थ्रू वो जागृत होने लगती है। एक बार जब ये ऊपर उठने लगती है तो आपकी रीढ़ के आधार से ऊपर की ओर उठने लगती है और आपके मुख्य चक्रों इन जहाँ जहाँ पे ऊर्जा के केंद्र है, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ये सब जो चक्र होते हैं वो उसके ऊर्जा के केंद्रों के माध्यम से वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। जिस चक्र जहाँ जिस चक्र तक आपकी ऊर्जा पहुँच सकती है उस चक्र तक वो ऊर्जा पहुँचाती है और वहाँ पर जाके कुंडली रुक जाती है। आपकी जो ऊर्जा है वो उस लेवल तक वो चक्रों को आपको वो जागृत कर देती है। जैसे आपका मूलाधार चक्र से ऊपर उठी तो आपके अंदर एक ब्रह्मचर्य का भाव आ जाता है, आपको जो आपके अंदर जो एक ब्रह्मचर्य वाला जो भाव है, जैसे स्त्री पुरुष समागम या दूसरा जो चीज के अंदर काम की वृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपके अंदर और ज़्यादा ऊपर आपके चक्र अगर जागृत होने लगते हैं तो आपको भूख मिट जाती है, स्वादिष्ठान चक्र आपको भूख कम लगने लग जाती है, आप एक टाइम खाना खाते हो या नमक का खाना खाते हो, धीरे धीरे खाना खाना बंद कर देते हो या कम कर देते हो। उसके ऊपर जाने के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि आपका दूसरी जगह से आपका विचार हट जाता है, आपको प्रभु के अंदर भक्ति अच्छी लगती है, आपका मणिपुर चक्र जागृत होने लगता है, आपका हृदय सिर्फ भक्ति में लग जाता है, आपको दूसरी सब चीज़ें कम अच्छी लगने लगती है। उससे ऊपर जाते समय आपको और ज़्यादा उसमें रुचि होने की वजह से आप मन जप करना चालू कर देते हैं, आप ओम 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 का जप करते हैं, हरिओम हरिओम का जप करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जप करते हैं। आपके और ऊपर चक्र जाने के बाद आपकी दृष्टि आप एक सीमित तौर पे आपकी दृष्टि हो जाती है, आपको दोनों आँखों के बीच में एक चुन चुन ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, और धीरे धीरे करके आपका जो माइंड है वो आपके दोनों आँखों के अंदर वहाँ पे ही आपका ध्यान रहता है और आपको लग रहा है कि आप एक अलग ही आयाम में एक अलग सा मतलब खुशी अनुभव करते हैं, जिसको कहते हैं आत्मा का आनंद अनुभव करते हैं। उसके बाद और ऊपर जाने के बाद आपके सहस्रार चक्र में चला जाता है, तो आपको आपने देखा होगा कितने साधु संत ऐसे होते हैं कि उनको जो दे दिया जाए वो खा लेते हैं, वो कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं। जैसे कितने बौद्ध भिक्षु हैं उनका नियम होता है कि दिन में एक बार मांगेंगे दो बार मांगेंगे, उसमें जो मिल जाता है उसको मिला के खा लेते हैं, वो कभी भी स्वाद में नहीं पड़ते। तो उस तरह से जो सहस्रार चक्र जागृत हो जाने के बाद कितने ही साधु संत हैं जो जिनके अवस्था बहुत ऊपरी लेवल पे हो गई वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो वो जब होता है कि आपका माइंड आपके हाथ में आ गया, आपके कंट्रोल में आ गया और आपको सब कुछ का चीज़ों का अनुभव हो गया है, और जैसे जैसे पूरी तरह से चक्र जागृत होने के बाद तो असीमित शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, पर अगर पूरी तरह से चक्र जागृत नहीं हुए, थोड़े थोड़े भी चक्र जागृत हुए तो भी व्यक्ति के अंदर ब्रह्मचर्य आ जाता है, व्यक्ति के अंदर खाने के प्रति जो लालसा होती है वो कम हो जाती है, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति का हृदय सिर्फ प्रभु चिंतन में लगने लगता है, भगवान की भक्ति करना भगवान का नाम लेना उसके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है, और ज़्यादा वो चीज़ के अंदर वो कम बोलता है, उसको भगवान की भक्ति के अलावा बाकी सब ज़्यादा बातें करना उसको कम पसंद आता है, और ज़्यादा जिसका चक्र जागृत हो जाता है उसका माइंड सिर्फ भगवान में लग जाता है और उसको अंदर से मन जप चालू कर देते हैं। तो वो जो अवस्था होती है धीरे धीरे करके सातों चक्रों को धीरे धीरे करके करेक्ट करती है, और जब चक्र आपका बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके जागृत होने लगता है 10 साल 15 साल 20 साल या 1 साल 1.5 साल, तो उसके अंदर आपका बॉडी खुद आपको इस तरह से ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कितने ही जैन साधु हैं, कितने ही आप देखेंगे कि बुद्ध के शिष्य दिखाई देंगे, बहुत सारे कितने ऐसे संत हैं जो तिब्बती संत लोग हैं, आप देखेंगे कि उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं कि अपने बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। कुछ ऐसे तिब्बती संत हैं कि जो बर्फ़ के अंदर -40 डिग्री पे जाके भी वहाँ पे रुकते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस तरह से घटा देते हैं, इस तरह से बढ़ा देते हैं कि जिसकी वजह से वो बर्फ़ के अंदर भी वो
अपने बॉडी को गर्म रख सकते हैं और उनका खून जमता नहीं है और वो एज इट इज ओके रह के वहाँ से चले आते हैं और गुफा में भी चले आते हैं। वो इस तरह की साधना करते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के तापमान को वो इस लेवल तक बढ़ा लेते हैं अपने सहस्रार चक्र के द्वारा, जिसके अंदर ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। तो ये भी जो होता है वो सात चक्र के साधना का ही परिणाम होता है और वो तिब्बती तिब्बत के उधर जो भी ये जो बुद्ध जो साधु होते हैं वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे सिद्ध संत हैं जो इस तरह की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से उसको हठ योग कहेंगे और उस तरह का वो लोग योग का नॉलेज रखते हैं कि बर्फ़ में भी और कितने भी ज़्यादा ठंडी जगह में भी उनको कुछ नहीं होता है। और मंत्र जाप से भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं आपको अपने अंदर एक एनर्जी का अनुभव होगा। आप ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके अंदर एक अत्यधिक तेज ऊर्जा का अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर दिखाई देगी। और वो जो एनर्जी है वो मंत्र का जप का परिणाम है। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि जो वेद लिखे थे, जिन लोगों ने उपनिषद की रचना, उनको सब नॉलेज था, वो लोग आधुनिक जो विज्ञान है उससे कई गुना आगे थे, उनको सब चीज़ का नॉलेज था, उन्होंने सब चीज़ को मंत्रों में परिवर्तित कर दिया। जो मंत्र जो हमारे पास ही है और वो मंत्रों का जो भी व्यक्ति उसका जाप करता है, मंत्रों का जो भी स्तुति करता है, उसके अंदर ऊर्जा जागृत होती है, वो तंत्र ऊर्जा है, मंत्रों से पढ़ी हुई ऊर्जा तंत्र ऊर्जा है। और योग करके जो ऊर्जा पैदा की जाती है वो योग ऊर्जा है। और जो भगवान की भक्ति करके, जो भगवान के प्रेम के द्वारा जो भक्ति की जाती है वो भक्ति ऊर्जा है। और सबसे व्यक्ति के कुंडलिनी जागृत होती है, सबसे व्यक्ति के सातों चक्र के अंदर थोड़ा थोड़ा भी चक्र अगर जागृत होता है तो व्यक्ति की उस तरफ व्यक्ति का रुझान बढ़ जाता है, भक्ति की तरफ रुझान बढ़ जाता है, मंत्रों की तरफ रुझान बढ़ जाता है। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।